उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर चमोली के डीएम हिमांशु खुराना ने बताया कि बद्रीनाथ में पुनर्निर्माण कार्य काफी तेजी से चल रहे हैं। हमारे कुछ कार्य पूरे भी हो गए हैं, एक बाईपास का कार्य पूरा हो गया है, ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार आया है, वहीं श्रम और मशीनरी की तैनाती पर्याप्त मात्रा में की जा रही है, मंदिर के परिक्षेत्र का डिजाइन कार्य भी जारी है। पूरी प्रक्रिया में हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो स्थानीय लोग और व्यापारी हैं, हमें उनकी सहभागिता मिले। देखिए, बद्रीनाथ में जो पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं, काफी तेजी से उसमें काम चल रहा है। तो जो शुरू में जो हमने कार्य जो इसमें प्लान किए गए थे, उसमें कुछ कार्य हमारे पूरे भी हो गए हैं। जैसे कि बद्रीनाथ धाम में एक मेजर प्रॉब्लम रहती थी कि जो आगे सेना के वाहन आगे जाया करते थे, वो वही बद्रीनाथ धाम के मेन रोड से होते हुए निकलते थे, तो काफी एक जाम की स्थिति यहाँ उत्पन्न रहती थी। तो एक बाईपास का निर्माण होना था जो उसमें कंप्लीट हो गया है, और जो माणा गांव जाने वाले गांववासी हैं या सेना के वाहन हैं, उसी मार्ग को यूज कर रहे हैं, जिससे जो ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार आया। साथ ही साथ एक हमारा ISBT था धाम के बिल्कुल शुरुआत में, उसका रिफर्बिशमेंट किया गया है, वो काम भी पूरा हो गया। इसके अतिरिक्त एक वन वे लूप रोड बनाया गया है। पहले एक ही रोड का इस्तेमाल होता था आने जाने के लिए, तो वन वे लूप रोड में वो एक लूप के रूप में काम करेगा, जो गाड़ियां जाएंगी अराइवल प्लाजा में यात्रियों को ड्रॉप करेंगी, और वो दूसरी तरफ से मुड़ के अपने पार्किंग या अपने जो उनका स्थान है वहां चली जाएंगी। इससे भी जो यहाँ ट्रैफिक मैनेजमेंट है, यात्रियों का जो मैनेजमेंट है, उसमें सुधार आया है। बाकी जो कार्य हैं उनमें तेजी से कार्य चल रहा है, जैसे अराइवल प्लाजा है, वो भी इसी वर्ष हमारा पूरा हो जाएगा, उसके लिए भी टारगेट फिक्स्ड हैं, और जो लेबर की तैनाती है, मशीनरी की तैनाती है, पर्याप्त मात्रा में की जा रही है। एक जो हमारा काफी इम्पोर्टेंट वर्क है, रिवर फ्रंट है, जो अलकनंदा नदी के आसपास रिवर फ्रंट का कार्य है, उसमें तेजी से चल रहा है। उसकी मॉनिटरिंग भी शासन स्तर पे भी और हमारे द्वारा भी निरंतर की जा रही है। उसमें भी हमारा उद्देश्य है कि इस वर्ष वो सारा कंप्लीट हो जाए, ताकि यात्रियों को एक रिवर फ्रंट के रूप में एक अच्छी वहां पर सुविधा हम प्रोवाइड करा सके। इसके अतिरिक्त टेम्पल प्रिसिंक जो है, मंदिर का परिक्षेत्र, उसका जो डिजाइन और DPR निर्माण का कार्य भी चल रहा है, और साथ ही साथ जो 75 मीटर के परिक्षेत्र में जो वहां पर बिल्डिंग्स हैं, उन प्रभावित जो व्यक्ति हैं, जो परिवार हैं, उनसे हम लगातार वार्ता कर रहे हैं। पूरे प्रोसेस में हम यही इंश्योर कर रहे हैं कि जो लोकल लोग हैं, लोकल हमारे जो व्यापारी हैं, हमारे जो तीर्थ पुरोहित हैं, ये हमारा पार्टनर बने इसमें, हम हमारी सहभागिता करें इस पूरे प्रोसेस में, हमारे पार्टनर बने, और हम इनके साथ कोऑपरेशन के साथ, हम जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कोऑपरेशन के साथ हम जो हमारे कार्य हम करें, ताकि स्थानीय लोगों के लिए भी और जो यात्री देश दुनिया से आते हैं, उनके लिए हम जो यहाँ पर व्यवस्था है उसको हम बहुत बेटर कर सकते हैं।